इस वीडियो में हम एक टेंडर को डाउनलोड करेंगे, फिर जो जिप फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, बीओक्यू को फिल करेंगे और उसके बाद टेंडर को सबमिट करेंगे। तो जो टेंडर हमें भरना है उसका हमारे पास आईडी है। ये आईडी है मेरे पास, मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ यहाँ और उसके बाद इस तरीके से इसे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल सी, और ये वेबसाइट है, यहाँ पर मुझे टेंडर सर्च पे यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है, यानी पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद इस गो बटन पे सिंगल क्लिक करना है, उसके बाद वो टेंडर हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे सीरियल नंबर, ई पब्लिश डेट, क्लोजिंग डेट, ओपनिंग डेट, टाइटल एंड रेफरेंस नंबर और ऑर्गेनाइजेशन चेंज। तो आप जब इस पे कर्सर लाते हैं तो देखो ये माउस का कर्सर कैसे चेंज होता है। तो आपको यही एक सिंगल क्लिक करना है। जब आप पहली बार टेंडर डाउनलोड करते हैं तो आपको कैप्चा फिल करना होता है। तो कैप्चा फिल करने के लिए बॉटम पे आना है हमें, और इस नोटिस पर एक सिंगल क्लिक करना है। उसके बाद यह कैप्चा फिल करना है। उसके बाद इस पर एक सिंगल क्लिक करना है। अब टेंडर को डाउनलोड करने से पहले हमें ये टेंडर डिटेल थोड़ी सी देख लेनी चाहिए। तो इसमें हमें क्या समझ में आता है कि ये किस डिपार्टमेंट का टेंडर है। इसकी जो टेंडर आईडी है ये यूनिक होती है, इसलिए इसकी ये टेंडर आईडी है। ये टेंडर रेफरेंस नंबर जो होता है ये यूनिक भी हो सकता है और यूनिक नहीं भी हो सकता है। आप टेंडर आईडी के जरिए टेंडर बहुत जल्दी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये B1 टेंडर है जो यहाँ समझ में आता है परसेंटेज होने की वजह से। इसको नंबर ऑफ कवर 2 है जो कि हमें यहाँ समझ में आते हैं कि कॉन्ट्रेक्टर को क्या फिल करना है। तो उसको डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में फिल करना है और जो BOQ है वो एक्सेल फॉर्मेट में फिल करना है, जो कि हम यहीं से इस टेंडर में डाउनलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट मैंने प्रिपरेशन करके रख लिया है और शेड्यूल भी हम यहाँ पे फिल, यानी इसको परसेंटेज वगैरह के लिए और कॉन्ट्रेक्टर का नाम वगैरह उसको फिल करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे पेमेंट के ताल्लुक से यहाँ मिल जाता है नॉट अप्लीकेबल, यानी ऑनलाइन पेमेंट नहीं है और उसको अर्नेस मनी भी नहीं है। यहाँ पर हमें काम का नाम मिल जाता है, यहाँ पे उसकी अमाउंट मिल जाती है, उसके बाद यहाँ डेट मिल जाती है। सबसे पहले पब्लिश डेट होती है, उसके बाद जब टेंडर आप डाउनलोड कर सकते हैं ये वो डेट और टाइम है। उसके बाद बिड सबमिशन कब कर सकते हैं ये वो टाइम है। बिड सबमिशन एंड कब होगा तो ये टाइम है और उसकी डेट है। इस डेट के बाद ये टेंडर हमें वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट डाउनलोड सेल, इसकी ये डेट और टाइम है और ये टेंडर कब ओपन होगा उसकी ये डेट है। अब हमें टेंडर डाउनलोड करना है तो सबसे पहले ये टेंडर आईडी को कॉपी करेंगे। मैं कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ। उसके बाद इस पर एक सिंगल क्लिक करेंगे। उसके बाद ये प्रिंट पे एक सिंगल क्लिक, यहाँ पे PDF का जो प्रिंटर है वो सिलेक्ट कर लेना है और प्रिंटर पर ये प्रिंट बटन पे एक सिंगल क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो आईडी कॉपी किया उसे कंट्रोल वी करके पेस्ट करना है। एक स्पेस देकर टेंडर डिटेल, इसे इस फाइल का नाम दे दिया मैंने। अब मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ डेस्कटॉप पे सिंगल क्लिक करूंगा। उसके बाद न्यू फोल्डर, और यहाँ पे मैं इस फोल्डर का नाम कंट्रोल वी जो मैंने पेस्ट किया उसे कंट्रोल वी कर दूंगा यहाँ पर, और इसे डबल क्लिक करके ओपन करूंगा और यहाँ सेव बटन पे क्लिक करूंगा और इसे यहाँ बंद कर दूंगा। अब मुझे बॉटम पे आना होगा। सबसे पहले जब मैं नोटिस पे एक सिंगल क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझे पट्टी ओपन होती है बार, यहाँ पर मुझे सेव इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव एस, और इस नोटिस के ऊपर एक सिंगल क्लिक करना है। उसके बाद कंट्रोल वी और एक स्पेस दे देना है। ये डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव रहा है, उसे फोल्डर में सेव रहा है, इसलिए सिर्फ सेव पे क्लिक करना है और इसे बंद कर देना है। उसके बाद जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये BOQ का नंबर हमें यहाँ दिखाई देगा। मैंने एक सिंगल क्लिक किया तो देखो ये BOQ का जिप फोल्डर का नंबर यहाँ दिखाई देता है हमें। ये BOQ का नंबर है और ये जो टेंडर आईडी है ये दोनों अलग अलग चीज है।
अब मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद सेव एज पे क्लिक करता हूँ। ये उसी फोल्डर में सेव हो रहा है, इसलिए सेव बटन पे सिंगल क्लिक। अब मैंने टेंडर डाउनलोड कर लिया, अब इसलिए मैं इसलिए बंद कर देता हूँ। अब ये फोल्डर मेरा डेस्कटॉप पे, इसे मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। ये टेंडर डिटेल हमने पढ़ लिया है। हम टेंडर डिटेल इसलिए डाउनलोड करते हैं कि इसमें हमें ये टेंडर आईडी बाद में लगती है टेंडर फिल करने के लिए। मैं इसे बंद करता हूँ। ये टेंडर नोटिस है। टेंडर नोटिस में हमें कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करने हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे पेज नंबर 3 पे, यहाँ पे वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, उन्हें पैन कार्ड चाहिए, आईटी रिटर्न चाहिए और जीएसटी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे पहले ही तैयार करके रख लिए हैं। मैं इसे बंद करता हूँ। आपने देखा होगा कि ये टेंडर नोटिस में चार डॉक्यूमेंट मांगे उन्होंने, लेकिन ये टेंडर डिटेल में जब हमने कवर देखा तो यहाँ पे एक ही कवर बता रहा है। तो इससे हमें समझ में ये बात आ जाती है कि उसको सारे डॉक्यूमेंट मर्ज करके देना है, जो कि हमने पहले ही कर लिए। अब हमें बीओक्यू को फिल करना है, बीओक्यू तैयार करना है टेंडर भरने के लिए, तो सबसे पहले हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये फोल्डर का नाम जो है वही चीज के ऑप्शन पे अपने को एक क्लिक करना होता है। तो सबसे पहले आप इस पे जाएंगे और एक राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद उसी नाम का ये फोल्डर दिखाई देता है, तो उस पर एक सिंगल क्लिक करेंगे। जब हम सिंगल क्लिक करते हैं तो उसी नाम का एक फोल्डर रेडी हो जाता है। तो इसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। इसमें बीओक्यू है, जो कि हमें जब हमने टेंडर डिटेल देखा तो उसमें यहाँ पे ये जो एक्सेल फाइल है, ये वही फाइल हमें यहाँ पे अपलोड करने को कहा गया है। तो मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। सबसे पहले हमें इनेबल कंटेंट पे सिंगल क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ कॉन्टेक्टर का नेम फिल करना है। तो मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है, मैं उसे कॉपी कर देता हूं। यहां डबल क्लिक करना है और कंट्रोल भी। यहां पर कॉन्ट्रेक्टर का वही नाम लिखना है जो उसके सर्टिफिकेट पर हो। उसके बाद ये जो बीओक्यू लिखा हुआ है इसे चेंज नहीं करना है। इसी तरीके से इधर आजू बाजू सब लॉक किया हुआ रहता है, यहां भी कुछ लिखना नहीं है। उसके बाद आपको परसेंटेज फिल करना है, तो इस सिलेक्ट के ऊपर एक सिंगल क्लिक करना है, इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन और मिलते हैं, एक एक्सिस का और लेस का। तो मुझे एक्सिस करना है, इसलिए मैं एक्सिस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ क्लिक करना है। आपको यहाँ डबल क्लिक नहीं करना है, सिर्फ सिंगल क्लिक करना है। और आप जो परसेंटेज फिल करना चाहते हैं तो सिर्फ वो अमाउंट लिखना है, यानी यहाँ पे मैंने जैसे 1.2 लिखा और इंटर करना है। तो परसेंटेज का सिंबल भी आपको नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ क्लिक करना है और कंट्रोल एस करना है। उसके बाद इससे कुछ भी चेंज नहीं करना है, डिफॉल्ट है ये, टिक वगैरह भी रहने देना है और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद इसे बंद कर देना है। अब हम इसे डोंट सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेव कर लिया है। अब दोबारा इस फाइल को आपको ओपन करके देखना है। यहाँ डबल क्लिक करेंगे। जब हमने डबल क्लिक करके इसे ओपन किया तो अब इनेबल कंटेंट का ऑप्शन भी नहीं आया, और हमने यहाँ पे जो नाम लिखा था वो चेक कर लिया, यहाँ जो परसेंटेज लिखा था हमने वो चेक कर लिया, जो परसेंटेज एक्सेस करना था वो लिख दिया। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और इसे बंद कर देता हूँ। इस बार भी मैं सेव नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेव कर लिया है और कोई चेंजेस भी नहीं किए। अब मुझे ये टेंडर फिल करना है अगर, तो सबसे पहले मुझे इंटरनेट का कनेक्शन देख लेना है, और उसके बाद ये जो मैं माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज करने वाला हूँ ब्राउजर, इसलिए इस पर राइट क्लिक करना है। और उसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट एज नाम आएगा उस पर एक राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे एक सिंगल क्लिक करना है। मैं
मैंने ये सेटिंग करके रखी है, इसलिए मैं जैसे ही इस होम पेज पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब यहां पर मेरे पास टेंडर आईडी है, इसे डबल क्लिक करता हूं मैं और ये सबसे ऊपर कॉपी का ऑप्शन है, इस पर एक सिंगल क्लिक करता हूं। उसके बाद वेबसाइट पे यहां पर मैं टेंडर सर्च करना चाहता हूं, तो इसलिए ये प्रोसीजर हमने पहले ही देखी है। लेकिन अब मुझे टेंडर भरना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ क्या करना होगा कि मुझे ये क्लिक हियर टू लॉग इन पे क्लिक करना होगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मेरे पास ये कॉन्ट्रेक्टर की आईडी है, इसलिए मैं यहाँ डबल क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल डी। उसके बाद पासवर्ड के लिए आपको एक टैप करना है, कीबोर्ड से टैप करने के बाद आप यहाँ पे जो भी आपके पास आईडी है आपने वो कॉपी कर ली है, उसके बाद ये पासवर्ड को सिलेक्ट करना है, आप टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद कैप्चा फिल करना है। कैप्चा इसे चेक कर लेना है, उसके बाद प्रोसीड पर एक सिंगल क्लिक करना है। टेंडर भरने के लिए ये जो तीन सेटिंग होती है मैंने वो कर ली है, डीएससी भी मैंने लगा लिया है। उसके बाद इस लॉगिन बटन पे सिंगल क्लिक करना है। इसका डिफॉल्ट पिन 1 से 8 है तो उसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ। उसके बाद लॉगिन बटन पे एक सिंगल क्लिक करना है। इसे मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करके भी कॉपी किया जा सकता है। यहां पर सबसे पहला ऑप्शन है सर्च एक्टिव टेंडर, तो मैं इस पे एक सिंगल क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये टेंडर आईडी पे यहाँ पे मैं वो टेंडर आईडी को पेस्ट कर देता हूँ, तो कंट्रोल वी करके मैंने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद सर्च पे एक सिंगल क्लिक करना है, ये टेंडर मुझे दिखाई देता है यहाँ पर, तो ये फेवरेट करना है इसे, तो इस चेक बॉक्स को चेक कर देना है और ये इस बटन पे फेवरेट बटन पे एक सिंगल क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको माय टेंडर्स में जाना है, तो यहाँ पर मैं एक सिंगल क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये टेंडर वापस दिखाई देता है, तो इसे मुझे व्यू करना है, इसलिए यहाँ पर मैंने एक सिंगल क्लिक किया। उसके बाद ये टेंडर डिटेल वही दिखाई देती है, यहाँ पे बॉटम में बिड सबमिशन का ऑप्शन मिलता है, तो इस बटन पे सिंगल क्लिक करना है। यहाँ पे इस एग्री का जो चेक बॉक्स है इसे चेक करना है और नेक्स्ट बटन पे सिंगल क्लिक करना है। उसके बाद ये टेंडर जो कॉन्ट्रेक्टर है उसकी यहाँ डिटेल दिखाई देती है, तो मुझे कोई चेंज नहीं करना है, कुछ भी एडिट नहीं करना है, इसलिए नेक्स्ट बटन पे सिंगल क्लिक। उसके बाद इस अपलोड बटन पे एक सिंगल क्लिक। जैसे कि टेंडर डिटेल में दो कवर दिए गए थे, तो इसलिए यहाँ पे ये दो कवर दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करता हूँ। डॉक्यूमेंट जो मैं सबमिट करूंगा उस फाइल के जो नेम रहेगा उसमें स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ एक सिंगल क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब मुझे वो फाइल अपलोड करना है, इसलिए ब्राउज का जो फोल्डर है मेरा यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करना होगा। मैंने डेस्कटॉप पे रखा है, इसलिए मैं यहाँ क्लिक करके डेस्कटॉप पे जाऊंगा। डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास ये फाइल रखी हुई है, मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन करूंगा।
उसके बाद बॉटम पर आना है और उस पर एक सिंगल क्लिक करना है। यहाँ पर पिन डालना है 1 से 8, मेरा डिफॉल्ट पिन है, आप बदल भी सकते हो उस पिन को। उसके बाद ही लॉगिन पे एक सिंगल क्लिक। ये सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ पर टिक भी आ चुका है। उन्होंने यहाँ का लिखा है कि क्लिक दिस आइकन टू री अपलोड द डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आप क्लिक करके री अपलोड भी कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे बीओपी सबमिट करना है, इसलिए मैं ये पूरे बॉक्स में कहीं भी एक सिंगल क्लिक करता हूँ और इस यहाँ पे कर्सर लाकर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। कभी कभी यहाँ पे ज्यादा नाम भी होता है जिससे हमको फाइल चेक कर लेनी चाहिए। अब मैं इस ब्राउज बटन पे सिंगल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक क्लिक करना है और मैंने डेस्कटॉप पे रखा है इसलिए डेस्कटॉप पे जाना है और डेस्कटॉप के अंदर ये फोल्डर है मेरा, मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ एक सिंगल क्लिक करके ओपन बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये सबमिट हो चुका है। अब मैं अपलोड करता हूँ। दोबारा उसने पिन नहीं मांगा। यहाँ पर व्यू अपलोडेड फाइल डिटेल, यहाँ पे फाइल की डिटेल देखी जा सकती है। ये दोनों सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे एक सिंगल क्लिक करना है और उसके बाद इस सबमिट और फ्रीज बटन पे एक सिंगल क्लिक करना है। टेंडर सबमिट हो चुका है और उसकी एक डिटेल एक्नॉलेजमेंट भी आ चुकी है, तो आप इसको प्रिंट करके भी रख सकते हैं। प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ एक सिंगल क्लिक करूंगा, उसके बाद फिर इस प्रिंट बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे पीडीएफ का प्रिंटर सिलेक्ट होना जरूरी है, उसके बाद प्रिंट बटन पे एक सिंगल क्लिक। मैं इसे डेस्कटॉप पे ही सेव करना चाहता हूँ इसलिए मैं यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा और इसका नाम दे दूंगा मैं यह एक्नॉलेजमेंट। और सेव बटन पे एक सिंगल क्लिक। जब आपका टेंडर भरना हो जाए तो आपको लॉग आउट करना है। इस लॉग आउट बटन पे मैं एक सिंगल क्लिक करता हूँ।